हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए चेक करते हैं क्या है आज शाम आपके पार्टनर की एनर्जी, किस माइंड सेट में है, क्या है उनका सोच, क्या एक्शन ले सकते हैं, क्या कुछ हो सकता है आज शाम आप दोनों के बीच, उनका एक्शन क्या कुछ हो सकता है आपके लिए। ये रीडिंग आप सभी के लिए है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, नहीं कोई स्पेसिफिक साइन के लिए है। तो क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी आज शाम, सोचिएगा उनके बारे में, फोकस बनाकर रखें। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, क्या है उनका सोच आपको लेकर? ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ छुपाते भी दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके लिए जो इमोशंस है, लव है, जो आज अकेले पड़ गए हैं, खुद को अलोन फील कर रहे हैं, आपके बिना तन्हा फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका साथ छोटा, तो ये पूरी दुनिया में अकेले पड़ चुके हैं, ये छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि आपके बिना कितना तन्हा है, कितना अलोन है, इनकी ज़िंदगी में कितना अंधेरा है, और आपके बिना कोई एक्साइटमेंट ही नहीं है, कोई खुशी ही नहीं है, काफ़ी सैड हैं, काफ़ी दुखी हैं, ये सब छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये बात आपको पता चले। ठीक है, ये छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी रियल ट्रू फीलिंग्स, इमोशंस आपसे हाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये चाहते भी नहीं हैं कि आपको भनक भी लगे कि ये आपके बारे में ऐसे सोच रहे हैं, कितना सैड हैं, कितना अलोन फील कर रहे हैं। ये कैंसर हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, और क्या है इनकी एनर्जी। 2222 9 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनसे रिलेटेड हो सकता है। और क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आज शाम, क्या कुछ सोच रहे हैं? ओके, मुझे खामोश दिखाई दे रहे हैं, साइलेंट दिखाई दे रहे हैं। साइलेंटली आपको स्टॉक करना, आपको याद करना, आपको चोरी छिपे देखना, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ करते हुए नहीं दिखाई दिए हैं, पर हाँ खामोशी से आपको स्टॉक करते हुए ज़रूर दिखाई दिए हैं। ऐसे सोच सकते हैं ये नंबर से 11, 15, 9, 29, 27, ये 22 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और क्या है इनकी एनर्जी, आपको इमेजिन करना चाहते हैं, इमेजिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, समझने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप दोनों के बीच कास्ट और रिलीजन वाला प्रॉब्लम है, अलग बैकग्राउंड से हो सकते हो, कास्ट रिलीजन इशू हो सकते हैं, कास्ट और रिलीजन अलग हो सकते हैं दोनों का, या यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी ज़रूर है यहाँ पर। और यही चीज़ आप दोनों के बीच दूरियां ला रहा है। ठीक है, आपके रिश्ते में ये जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, साइलेंट हो गए हैं, खामोश हो गए हैं, ये दूरियां हैं, इसका मेन वजह, मेन रीज़न मुझे ये दिखाई दे रहा है थर्ड पार्टी है यहाँ पर। अब थर्ड पार्टी यहाँ पर कास्ट रिलीजन हो सकता है, बैकग्राउंड अलग हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, फैमिली इशू भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, ये इनका सिचुएशन ऐसा है कि कुछ कर नहीं सकते, हेल्पलेस फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद का ही हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, मजबूर कर पा रहे हैं खुद को। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मजबूरियां हैं, जो मैं आज उससे दूर हुआ हूँ या हुई हूँ, खुशी नहीं हुआ हूँ, ये खुशी नहीं हुए हूँ, मेरी कुछ मजबूरियां हैं जो कि मुझे उससे अलग कर दिया, हमारे बीच दुनिया ला दिया, ये इनका सोच है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये, नंबर 15 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 15, 17 या 9, 5 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और क्या है इनकी एनर्जी आज शाम, क्या चाहते हैं ये आपके पार्टनर आज शाम, क्या चाहते हैं?
ओके, इनके पास आपको देने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। स्टेबल लाइफ बिल्कुल आपको दे सकते हैं, आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं अगर ये चाहें तो, आपके साथ रिश्ते को सक्सेसफुल बना सकते हैं अगर ये चाहे तो, बिल्कुल चेंजेस ला सकते हैं आप दोनों के बीच, बैलेंस कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इनके पास है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि खुद को प्रैक्टिकल रखने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, करेंटली फोकस्ड कैरियर पर किया जाए ये ज़्यादा सही है, ये इनका थॉट्स मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग लिए ऐसा दिखाई दे रहा है अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं हैं या स्टेबिलिटी नहीं है इनके कैरियर में तो सबसे पहले वो चाहिए। ये सक्सेस के पीछे मुझे पागल दिखाई दे रहे हैं, उसे उसके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको सक्सेसफुल होना है, ठीक है, अपने कैरियर में इनको सक्सेसफुल होना है, या तो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन है, वेल्दी पर्सन है ये, ठीक है, बिजनेसमैन वुमेन हो सकते हैं, जिस भी फील्ड में हैं काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं ये, तो या तो इनको सक्सेस चाहिए अपने कैरियर में या तो ऑलरेडी हैं। और अगर ऑलरेडी हैं, इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी पर डिपेंड नहीं है फाइनेंशियली, तो अभी आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो स्टेबल हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैंने खुद को इतना ज़्यादा ग्रो कर लिया है, मैंने खुद को इतना ज़्यादा स्टेबल बना लिया है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ आज, तो मैं आज अपनी लाइफ का, लव लाइफ का डिसीजन खुद ही ले सकता हूँ या खुद ही ले सकती हूँ, ये इनका सोच है। तो अगर ये सक्सेसफुल पर्सन हैं, इंडिपेंडेंट हैं, मैच्योर पर्सन हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी ओर बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे। और अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मानसिक रूप से कमज़ोर हैं ये व्यक्ति, खुद को हेल्पलेस पा रहे हैं, निगेटिव एनर्जी में हैं, तब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके पास बहुत सारी मजबूरियां हैं, ये इनका सोच है और ये कुछ नहीं कर सकते, तो बेहतर यही है इनके लिए कि ये कैरियर पर फोकस करें, ये इनका सोच है, ठीक है, कि मेरे लिए बेहतर यही है कि मैं कैरियर पर फोकस करूं, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ मेरी मजबूरियां हैं, यहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, ये इनका सोच है। आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में ये कुछ नहीं कर सकते, ये हेल्पलेस फील कर रहे हैं, होपलेस फील कर रहे हैं। आज शाम क्या कर सकते हैं ये, इनके एक्शन क्या मिल सकते हैं आपको, क्या कोई एक्शन देखने को मिलेगा आपको, क्या कोई एक्शन देखने को मिलेगा आपको इनके साइड से? ओके, आपको समझने की कोशिश करेंगे या आपको समझाने की कोशिश करेंगे, सोच जरूर रहे हैं, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दूर बैठे आपको देखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं उससे पहले कई तरह का इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, कि इनका राइट एक्शन क्या होना चाहिए, राइट डिसीज़न क्या होना चाहिए, अपना खुद का लेंगे, जो भी एक्शन लेना है, जो भी डिसीज़न लेना है, फैसला लेना है, इनका खुद का होगा, बट उससे पहले समझते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। किसी से सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या कुछ हो सकता है आज शाम आप दोनों के बीच, पॉसिबिलिटीज़ क्या है आप दोनों के बीच होने का? ओके, कुछ खास होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं आप दोनों के बीच, मुझे टेंशन का माहौल दिखाई दे रहा है, सेपरेशन दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने कहा कि अगर थर्ड पार्टी है, स्पेशली इनके साइड से मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये खुद को स्टक पा रहे हैं वहाँ पर, ठीक है, हाँ ज़रूर रोते हुए दिखाई दिए हैं, अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो भी इनका सिचुएशन है,
जहाँ पर भी ये हैं वहाँ पर खुश नहीं है, अनहैप्पी मुझे दिखाई दे रहे हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सैड फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद का सिर पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ओवर थिंक करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ऐसा है कि मेरे खुद के डिसीजन ने, मेरे खुद के एक्शन ने मेरा बुरा हाल कर दिया है, जो आज मैं इतना रो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, ये मेरी खुद की वजह से है। मैंने बिल्कुल अपनी लाइफ स्पॉइल कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, मैं यही डिज़र्व करता हूँ, मैं यही डिज़र्व करती हूँ। तो ये मुझे इनका थॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, खुद को मजबूर पाते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को मजबूर समझ रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर सकते, किस्मत के मारे हैं ये, और इन्होंने खुद अपने लाइफ को बर्बाद कर दिया है अपने हाथों से, अपने एक्शन से, ये इनका सोच है। पर तड़प जरूर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनकी ओर जाओ, या इनकी तमन्ना ज़रूर है, इनका डिज़ायर ज़रूर है कि आपकी ओर बढ़े। इस सिचुएशन में कौन रहना चाहेगा जहाँ पर ये काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी सैड हैं, कोई समझ नहीं रहा है, मजबूरियाँ हैं, काफ़ी टेंशन है, कोई इनको स्ट्रेस दे रहा है, किसी के साथ फाइट हो रहा है, कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, खुद को कहीं पर कंट्रोल पा रहे हैं, जहाँ पर ये खुश ही नहीं है। तो यहाँ से निकलना ज़रूर चाहते हैं पर खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं ये। इनका सोच यही है कि मैं मजबूर हूँ, पर हाँ इनका डिज़ायर ज़रूर है कि यहाँ से निकले, ठीक है। इनकी फीलिंग्स में ये भी देख पा रही हूँ कि आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, और ये बात अब समझ आ रही है जब ये आपसे दूर हो गए हैं, जब आपसे बिछड़ गए हैं, जब कहीं और इन्वॉल्व हैं, या अब दोनों के बीच दूरियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तब इनको समझ आ रही है कि जो आपके साथ इमोशंस था, जो था कनेक्शन, वो क्या था, जो आपके लिए फीलिंग्स था वो क्या था, आपको भूल नहीं पा रहे हैं, उस सिचुएशन में खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं, ढल नहीं पा रहे उस कनेक्शन में। मुझे फियर दिखाई दे रहा है इनमें, एक डर है, ठीक है, और इस बात का भी अफसोस है कि आपसे दूर हो गए हैं, आपके साथ कनेक्शन को बचा नहीं पाए, ठीक है। इनकी तमन्ना है आपसे मिलने का, फेस टू फेस मीटिंग करने का, आपको देखने का, आपको हग करने का, आपके साथ कुछ ड्रीम है, ये चाहते हैं वो पूरा हो, कभी ना कभी हो, आप दोनों मिलो, आप दोनों साथ में आओ, एक लवर्स की तरह रहो, एक कपल की तरह रहो, लाइफ स्पेंड करो, ये इनकी फीलिंग्स है, इनका थॉट्स है, आपका ख्वाब देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये है आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना, खुद को पॉजिटिव रखें, हैप्पी रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, टेंशन फ्री रखें, ठीक है, बाय।